अस्सलाम वालेकुम। आज हम आप लोगों को भेजा फ्राई बनाना बताएंगे। ये हमारा भेजा है जिसको अम्मा जी ने पहले ही पानी, नमक और विनेगर में उबाल लिए हैं, बॉईल कर लिए हैं। अब हम बाकी के इंग्रेडिएंट्स देखते हैं। ये मैंने लिया है 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1 टेबलस्पून सेजवान चटनी, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। ये मैंने लिया है 2 टेबलस्पून रवा सूजी। मैंने 1 किलो भेजा लिया है, मैंने उसे छोटे पीस में कट कर लिया है। भेजे की क्वांटिटी मैं आपको बताना भूल गई थी, इसलिए मैं अभी आपको बता रही हूँ कि मैंने 1 किलो भेजा लिया है, उसको मैंने छोटे पीस में कट कर लिया है। अब हम इसे बनाना शुरू करते हैं। भेजा है उसको हम मैरिनेट करेंगे। 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर डाल दी हूँ मैंने इसमें, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1 टेबलस्पून सेजवान चटनी। अब हम सारी चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। एक और टिप मैं आपको देना चाहूँगी कि आप भेजा जब बॉईल करते टाइम और मैरिनेट करते टाइम एकदम स्लो, हमें एकदम हल्के हाथ से उसे मिलाना है, क्योंकि भेजा बहुत ही सॉफ्ट होता है, वो बहुत जल्दी टूट जाएगा और पूरा मैश हो जाएगा, वैसे हमें नहीं करना है। हमें एकदम स्लोली स्लोली इसे एकदम हल्के हाथ से इसे मिला लेना है। बॉईल करते टाइम भी जब हम इसे टर्न करेंगे बॉईल करते टाइम, तभी भी हम उसे एकदम हल्के हाथ से मिलाएंगे। अब मैं इसे आधे घंटे के लिए सेट होने रख दूंगी, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि फाइनल बनाते कैसे हैं। हमारा जो भेजा है वो अच्छे से मैरिनेट हो गया है, आधा घंटा हो गया है। अब मैंने जो रवा लिया था सूजी, उसमें मैं भेजे को डिप करूंगी और मैं इसे फ्राई करूंगी, क्योंकि उससे हमारा जो भेजा है वो बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी होगा। अब मैं आपको सेकेंड स्टेप बताती हूँ कि हम क्या करेंगे। हम एक कढ़ाई लेंगे, उसमें हम फ्राई करने जितना ऑयल डालेंगे। तेल को हम अच्छे से गर्म होने देंगे, हमें हाई फ्लेम पर तेल को अच्छे से गर्म होने देना है। ये देखिए इतने अच्छे से मैरिनेट हो गया है ये भेजा। अब मैं इसे डिप करूँगी सूजी में, एकदम हल्के हाथ से हमें डिप करना है, वरना हमारा भेजा टूट जाएगा। ये देखिए मैंने बाकी के भी 2-3 जो भेजे के पीसेस है उसे मैंने मैरिनेट कर लिया है, डिप कर लिया है, कोट कर लिया है। तेल अच्छे से गर्म हो गया है। अब मैं एक एक करके भेजा डालूंगी जो मैंने कोट कर लिया था सूजी में। हमें हाई फ्लेम पर फ्राई करना है इसे, वरना भेजा टूट जाएगा। अच्छे से मैं इसे क्रिस्पी होने तक फ्राई कर लूँगी। हमें सारे भेजे अच्छे से डीप फ्राई कर लेना है दोनों साइड पर। ये देखिए भेजा अच्छे से फ्राई हो गया है, क्रिस्प हो गया है सूजी की वजह से। अब हम इसे सेकेंड साइड भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे, फिर मैं इसे निकाल दूँगी प्लेट करके, मैं आपको बता दूँगी। हमारा भेजा फ्राई बहुत अच्छे से फ्राई हो गया है, बहुत ही क्रिस्पी है। हमने इसमें सूजी का यूज़ किया है, रवे का, उससे जो हमारे जो भेजे में क्रिस्पी चीज़ आ गई है वो बहुत ही टेस्टी है। आप इसे ज़रूर ट्राई करिए। हम ऐसे दिखने में तो ये पकोड़े जैसा लगता है, बट अंदर से भेजा है। आप इसे ज़रूर ट्राई करिए भेजे फ्राई को, और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें और भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ के लिए। अल्लाह हाफिज़।